दोस्तों जो लार्ज ब्रीड के शौकीन हैं, ये ब्रीड उनके लिए बहुत ही स्पेशल होगी क्योंकि ये डॉग्स वन ऑफ द बेस्ट लार्जेस्ट ब्रीड में से एक है। जी हाँ गाइस, आज का जो हमारा डॉग है वो है डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो एक बहुत ही बढ़िया ब्रीड है और इस पप्पी को भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग इस पप्पी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना, आगे मैं आप लोगों को इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्या इसकी एज है और क्या इसकी प्राइसिंग होने वाली है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। दिस इज मंजीत एंड यू आर वॉचिंग ऑन योर यूट्यूब चैनल माई स्मार्ट वर्ल्ड। तो दोस्तों डोगो अर्जेंटिनो बहुत ही पावरफुल, मस्कुलर और अग्रेसिव डॉग्स होते हैं। मैं फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए ये रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उनके लिए इन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि डोगो अर्जेंटिनो एक जायंट ब्रीड होती है और इन्हें बचपन से ही सोशलाइजेशन की और एक अच्छी ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग इन्हें इजीली हैंडल कर पाओगे तो बिना किसी झिझक के आप लोग इन्हें परचेज कर सकते हैं, क्योंकि डोगो अर्जेंटिनो बहुत ही बढ़िया ब्रीड होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके डॉग्स ज्यादा अग्रेसिव ना हो और ये दूसरे लोगों के साथ भी थोड़े फैमिलियर बने रहे, तो उसके लिए आप लोग इन्हें अर्ली एज से ही अच्छे से सोशलाइज करें, ह्यूमंस के साथ भी और एनिमल्स के साथ भी, ताकि आगे चल के ये एक अच्छे ऑलराउंडर डॉग बन सके। तो दोस्तों पपीज की क्वालिटी काफी अच्छी है और डोगो अर्जेंटिनो बहुत ही बढ़िया गार्ड डॉग्स होते हैं। ये डॉग्स आपकी फैमिली और आपके घर को बहुत ही अच्छे से गार्ड करेंगे। डोगो अर्जेंटिनो का जो कोट कलर है वो आप लोगों को मोस्टली व्हाइट ही देखने को मिलेगा। बड़ा रेयर चांस होता है कि इनकी बॉडी पे कोई अलग कलर की मार्किंग हो। तो दोस्तों पपीज की और इनकी मदर की आप लोगों ने क्वालिटी शायद देख ही ली होगी। तो अभी जो आप लोग देख रहे हैं ये इनके फादर है, क्वालिटी काफी अच्छी है। तो आप लोग भी मुझे एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप लोगों को इसके फादर की क्वालिटी कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप लोग इतने पैसे किसी भी डॉग के लिए लगा रहे हो तो उनकी मदर फादर की क्वालिटी जरूर देखें, ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि बड़ा होकर आप लोगों का डॉग कैसा बनेगा। और दोस्तों अभी जो आप लोग इनके फादर देख रहे हैं ये स्टड के लिए भी अवेलेबल है। अगर आप लोग अपने फीमेल की इसके साथ मैटिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग ओनर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओनर का कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल के आइकन को दबाकर पाए मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इनकी बाकी की इन्फॉर्मेशन की तरफ, जो कि इनकी एज, प्राइस और लोकेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी एज के बारे में। ये जो पपीज है ये 40 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है अम्बाला कैंट, हरियाणा से। और डिलीवरी के बारे में बात करें तो ओनर सिर्फ अम्बाला में ही इसकी डिलीवरी अवेलेबल करा रहा है। बाकी अगर आप लोग इसे परचेज करना चाहते हैं और अम्बाला से आसपास से नहीं है आप लोग, तो आप लोगों को डायरेक्ट ही जाकर इसे परचेज करना पड़ेगा। और ये जो डोगो अर्जेंटिनो है ये मेल और फीमेल दोनों ही अवेलेबल है। तो मैं आप लोगों को दोनों का प्राइस बता देता हूँ। ओनर ने जो डिमांड की है प्राइस की, वो मेल की है 18,000 रुपए और फीमेल की है 14,000 रुपए। तो भाई क्वालिटी वाइज आप लोगों को इनका प्राइस कैसा लगा, मुझे अपने ओपिनियन एक बार जरूर शेयर करें। और अगर आप लोगों के पास भी कोई डॉग है और आप लोग उसकी एड मेरे चैनल पर डलवाना चाहते हैं तो अपने डॉग्स की वीडियोस और उनकी बाकी की इन्फॉर्मेशन मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। और आप लोगों को बता दूं कि मैं खुद से कोई भी डॉग सेल नहीं करता, मैं सिर्फ दूसरे लोगों के डॉग्स की वीडियोस डालता हूं। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक, आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और कमेंट्स कर सकते हैं। सो जल्दी मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू डॉग के साथ। सो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड बाय बाय।